दोस्तों हर सब्जी के ऊपर, हर फ्रूट्स के ऊपर हमने लेक्चर दिया है, पर रह गया एक कटहल। तो आज मैं सोचता हूँ कटहल के बारे में भी बता दूँ। इसको जैक फ्रूट बोलते हैं, और जैक इसलिए कि बहुत बड़ा होता है। आपको मालूम है हाईएस्ट साइज ऑफ कटहल कितना, 3 फीट लंबा होता है। और ये इंडिया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और इसको दोनों तरह से लिया जा सकता है, कच्चा कटहल भी खाया जा सकता है, पका हुआ कटहल तो बहुत पॉपुलर है एज अ फ्रूट। तो मैं आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में बताना चाहता हूँ। जो कच्चा कटहल है ये बहुत फायदे का चीज़ है, इससे अल्सर ठीक होता है, इससे डायबिटीज़ ठीक होता है, इससे ब्लड प्रेशर में फ़ायदा होता है, और ये विटामिन सी और के और फाइबर इसमें बहुत होता है। तो इसका सब्जी बना के खाया जाता है। बहुत कटहल की सब्जी जो कच्चा होता है वो मीट को रिप्लेस कर सकता है। बहुत सारे लोग मीट की तरह दिखने में होता है तो उसको खूब खाते हैं एंड दे फील इक्वली गुड। तो कटहल, कच्चा कटहल का सब्जी खूब खाया जाता है। पक्का जो कटहल है वो भी काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि इसमें जूसी होता है। पक्के वाले में कैलोरीज ज़्यादा है, करीब 100 कैलोरी के आसपास है, 94 कैलोरीज है, पर इसमें फैट नहीं होता है। तो इसलिए आप अगर ओवरवेट नहीं है तो हार्ट के हिसाब से भी फायदे का चीज़ है। और इसमें सोडियम, विटामिन सी, विटामिन ए भी होता है, प्रोटीन भी करीब 2 ग्राम प्रोटीन, 1.5 ग्राम प्रोटीन होता है, तो ये प्रोटीन के हिसाब से भी अच्छा है। और जो कच्चा कटहल है उसकी ग्लाइसिमिक इंडेक्स बहुत अच्छी है, तो वो डायबिटीज के हिसाब से बहुत फायदे का चीज है, जिसको मोचा भी बोलते हैं बहुत सारे लोगों ने। तो ये मोचे का सब्जी बहुत खाया जाता है। पक्का कटहल का जैम, जेली, चटनी भी बनता है और रॉ खाया भी जाता है। तो पक्का कटहल खाएंगे तो सिर्फ याद रखिए वजन के हिसाब से थोड़ा ज्यादा कैलोरीज, अदरवाइज पक्के कटहल में भी बहुत गुण है और कच्चे में तो गुण ही गुण है। तो आप कटहल जरूर खाइए, अभी सीजन ना भी हो तो कोई बात नहीं, जब सीजन आता रहेगा। और कटहल कच्चे वाले का तो सीजन राउंड द ईयर होती है, तो आप जरूर कटहल खाइए और इसके बारे में लोगों को बताइए। आज यहीं पे विदा लेते हैं। मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजर है। साओल हार्ट सेंटर करके हम लोग सेंटर चलाते हैं, जो इंडिया में करीब 100 ब्रांचेस है, और हम हार्ट के पेशेंट्स को एजुकेट करते हैं लाइफस्टाइल के ऊपर, उनको एलोपैथी की दवाइयाँ और बिना सर्जिकल मीन से ठीक करते हैं। तो उसके बारे में हमारी वीडियो ज़रूर लोगों को बताइए। मेरा शौक है कि लोगों को एजुकेट करना हेल्थ के बारे में, सब्जियों के बारे में, फ्रूट्स के बारे में, तो वो मैं कर रहा हूँ, और आप इसको ज़रूर आगे फॉरवर्ड करिएगा। थैंक यू सो मच।